अल्लाक मैं हुसनीत अदनान कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर ख़ैरियत होंगे तो मैं बना रही हूँ कैरी की खटी मीठी चटनी जिसे हम कहते हैं कैरी का मुरब्बा कैरी का पन्ना जो कि बनेगा बहुत ही मज़ेदार और वाकई बना था बहुत ही मज़ेदार इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ये मैंने कैरीयों का छिलका उतार दिया इन्हें पील कर लिया है और लंबे लंबे स्लाइस में मतलब पतला, पतला सा कटिंग कर लिया है इसी तरह आपको भी कटिंग करना है अपनी कैरियों को बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश करके फ्राई पैन में रख दिया है और एक ग्लास के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी ताकि हमारी कैरियाँ बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम सी पक कर तैयार हो जाए और जितनी अच्छी ये गलेंगी उतना ही मज़ा हमारी चटनी देगी खटी मीठी सी चटनी कैरी का मुरब्बा कैरी का पन्ना जिसे हम कहते हैं वो हमारा हो जाएगा तैयार इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने सीक्रेट मसाले जो कि हैं लहसुन लहसुन मैंने आठ से दस कलियाँ ली हैं लहसुन की एक बड़ा टुकड़ा लिया है मैंने गुड़ का एक दारचीनी तीन लौंगे एक इलायची और तीन साबुत लाल मिर्चें एक चाय का चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई मिर्च का क्योंकि ये बनेगी थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी तीखी जो कि देंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको पराठे से खाने ये लगेगी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बहुत ज़्यादा आप करेंगे इसको एंजॉय दुआ में रखेगा मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद देखें जी मेरी कैरी में आ चुका है उबाल और ये कितनी अच्छी तरह से पक रहा है इसका शीरा तैयार हो रहा है और ये कैरियाँ हमारी तकरीबन गले पे आ गई हैं कुटी मिर्चें पक चुकी हैं हमारे सारे अज्जा इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी देर में अपनी कलौजी कलौजी जो कि इसकी शान है इसकी जान है इसका फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी अच्छा मैंने इसमें आधा गुड़ और डाल दिया था क्योंकि कैरियाँ थी मेरी खट्टी तो चटनी ज़्यादा खट्टी अच्छी नहीं लगती है खट्टी और मीठी ही अच्छी लगती है देखें जी कलर कितना ज़्यादा प्यारा आया है और लहसुन मेरे गल रहे हैं पक रहे हैं और मेरा अब ये जो मैंने गुड़ डाला है ये भी अच्छी तरह से घुल जाएगा बस ये फिर मैं दिखाती हूँ आपको इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ अपनी कलौन जी कलौजी में था थोड़ा सा कचरा तो मैंने इसको हटा कर अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर कर फिर अपनी कलौनजी को इसके अंदर शामिल किया था मेरी कलौजी इसके साथ पक जाएगी और ये चटनी दे रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी मीठी मीठी सी खुशबू क्योंकि हमने डाला है इसके अंदर जो दारचीनी का टुकड़ा और लौंगे और इलायची उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बस जी इस स्टेज पे हम कर देंगे अपना फ्लेम ऑफ चूल्हे को हम कर देंगे बंद मैं निकाल दूँगी अपना सारा मसाला बाहर ताकि ये खाने में मुंह में ना आए का ना करे और फिर हम ये अपनी कैरियों को घोट लेंगे अच्छी तरह से जैसे जैम होता है मोटे मोटे चंक्स आते हैं ये बिल्कुल वैसे ही आपको मजा देगा इसको इंजॉय करें आप अपने पराठों के साथ ब्रेड के साथ या खाए दाल चावल के साथ गया इंजॉय करें रुखा ऐसे ही स्पोन से आप ज़रूर इंजॉय करिएगा मेरी इस वीडियो को अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ख्याल ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ बनाइए और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा याद मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो में अपनी अल्लाह हाफिज़ देख लीजिएगा मेरी चटनी का लुक कितना प्यारा आया है